वो रिकॉर्डिंग देख पाए। आईटीडी सीमेंटेशन, जी सर। आईटीडीसी, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, वन ऑफ माय फेवरेट है वो स्ट्रक्चर। मैं कंबाइन किया है सब। एंट्री लिए जी सर। जी, बढ़िया है सर, वीकली चार्ट में बहुत बढ़िया है। आपने एंट्री कब ली है? सर अभी अभी लिए कल के दिन ही। बढ़िया, नो इशू सर। इसमें आप स्टॉप लॉस पुट जी कर सर। दीजिएगा 92 के नीचे, अगर वीकली क्लोज कर दे तो आप इससे जी निकल जाएगा, वरना इसके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा 219-20 तक तो। बढ़िया स्टॉक है सर, जी जिस सर। वीकली का स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है सर। रिवर्सल आ गया, जी देखिए सर जी। फर्स्ट तो वेव, सर सेकंड वही वेव अल्टीमेट या फिर अल्टीमेट रिवर्सल के आ बेस पे ही गया। लिया था सर। जी, अल्टीमेट सेटअप के बेस पे ही एंट्री के लिए थी सर, इसीलिए पूछा। जी बढ़िया सर। बढ़िया, नहीं बढ़िया बढ़िया, जी नो सर। इशू। थैंक यू जी सर। सर, ठीक ठीक है। जी सर, थैंक यू। दिनेश जायसवाल जी, जी सर, अपने आप अनम्यूट कीजिए सर। दिनेश जायसवाल जी, दिनेश जिनके भी क्वेश्चन होंगे अपने हैंड रेस करेंगे सर। दिनेश जी का नहीं है, वो तो निकल गए हैं। BZ, आपका क्वेश्चन अगेन है सर, आपका हैंड रेज है। हेलो, हाँ जी सर। और एक स्टॉक चेक करना था सर। जी जी सर। एक सर एक जी स्टॉक जी था और जी 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 शिपिंग बताइए। कॉरपोरेशन करके। जी GE शिपिंग, जी सर। ये भी बढ़िया है सर। सर 539 पे एंट्री ली थी, तो क्या मंथली के, जी सर, मंथली के बेस पे मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से, पूरा टाइम वाइज जी करेक्टेड है। देखिए सर, प्राइम और प्राइस वाइज जी सर। करेक्शन जी जी 2007 सर। में बराबर है, बिल्कुल जी सही है। यहाँ सर ये पर एक भी बार जैसे देखा वैसे जाए, 622 पे एक बार निकल अल्टीमेट। जाइए, एक बार 622 के ऊपर निकल जाए तो फिर मतलब ये नहीं रुकेगा, फिर तो जी जी ये सर। जी शुद्ध सर। तो हमारी 7 से 8 गुना होगा ही होगा। जी सर, ये भी एज पर अल्टीमेट सेटअप ही निकाला था, लेकिन बढ़िया कंफर्मेशन के लिए बढ़िया, बोला आपसे पूछ लेते सर। नहीं नहीं बढ़िया जी बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया स्टॉक है ये भी, वेरी जी गुड, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़िया। और जिनके भी क्वेश्चन हो अपने हैंड रेस करेंगे सर। वाह, किसी के नहीं है। कुणाल जी, जी सर, हेलो। जी सर, हाँ सर, नमस्ते सर। ये परसों जो आपने एक मीटिंग ली थी उसमें बताया था सीपी के बारे जी में। तो जी जी जैसे कि पी हम सी में कुछ सेल करते हैं, में, ओके मतलब हाँ, मतलब बाय करते सेल करते हैं, जो बाय करते हैं तो हमको जो ओके प्रीमियम का एक आइडिया मिल जाता है कि 50 रुपये 50 है, और 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रीमियम को, तो एक मिल जाता है आइडिया कि इतने का प्रीमियम है। ऐसा कोई सेल में कोई कौन सा फॉर्मूला होता है कि हम सेल में आइडिया ले सके उस चीज का कि आपको कितना कितने प्रीमियम के होगा। बाद लॉस होगा या फिर क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, सर, जैसे कि तो सर, मान लीजिए अभी स्टॉक का मतलब सी चल रहा है किसी का, स्ट्राइक प्राइस हाँ का मान लीजिए 100 पे चल रहा है, तो अपने को पता हाँ चल ओके जाता है कि ओके बाय बाय बाइंग प्राइस उसकी 5,000 होगी। हाँ, लेकिन वो सेल तो के आपको समय देखना। अपन हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ गया, जितना दूर होगा सर उतना मार्जिन कम होगा, जितना नजदीक होगा उतना मार्जिन ज्यादा होगा। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में ले जाके ही, कि मान लीजिए यहाँ मैं ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ नॉर्मल मार्जिन क्या रहता है। अगर एटीएम आईटीएम बाय करेंगे, हाँ जी। एटीएम आईटीएम बाय करेंगे आप, तो आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि नजदीक है तो आपका रिस्क ज्यादा है ना सर। अगर दूर का है तो आपका रिस्क अल्टीमेटली कम है, तो आपको कम लगेगा। जैसे आप मान लीजिए अभी 18,000 का करेंगे निफ्टी में, तो आपको लगेगा 70,000 रुपए, लेकिन अगर 70,500 का करेंगे, 17,500 का, तो आपको लगेगा कम से कम 1,50,000 रुपए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए 29 सितंबर का हम 18,500 का करते हैं हम सेल, तो उसको हमको लगेगा प्रीमियम मतलब 75 प्रीमियम, उसका हमको लगेगा 61,000। इसमें आपको टेन ओके प्लस 10,000 प्लस कर देना है, क्योंकि ऑप्शन का सर परफेक्ट नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ पे अच्छा दिखाऊँ आपको 17,500 का, तो यहाँ पे देखिएगा कितना मांगता है सेल के लिए, 96,000 रुपये कम से कम। यहाँ पे 1,25,000 मांगेगा, मतलब जितना यहाँ पे सारा मार्जिन क्यों मांगता है सर, जितना रिस्क आपका ज्यादा, मतलब अगर आप नजदीक का सेल कर रहे हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है, राइट? ओके अगर ओके रिस्क ज्यादा है तो मार्जिन ज्यादा मांगेगा। ओके
और अगर रिस्क कम है मतलब दूर का करेंगे 18,500-19,000 का, यहाँ पे मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल है, आपका रिस्क भी कम है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको मार्जिन कम देना पड़ता है ना सर। मतलब 70,000 अपर तो रहता ही है, कोई भी ऑप्शन सॉल्व करें आप 70 के प्लस तो रहता ही रहता है, 70 से लेके 1.5 लाख के बीच में। अच्छा सर, अच्छा एक चीज और पूछ रहा था, जीरोधा में, हाँ जी हाँ जी, जीरोधा में जैसे कि अपन जब डालते हैं कोई हेजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है फंड रिक्वायर्ड, एक होता है कि एक और ऑप्शन आता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड, दो ऑप्शन आते हैं जीरोधा में। तो मतलब जैसे 49,000 उसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड मार्जिन, तो वो उतना होना चाहिए अकाउंट में मतलब उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मार्जिन रूल आ गया ना सर, इतना मार्जिन उसमें अकाउंट में भी होना चाहिए, सेल करते होते मतलब बहुत रूल बकवास आ गए सारे, कि अब तो अकाउंट में भी होना चाहिए और आपको मार्जिन एक्स्ट्रा पे भी करना है, दोनों चीज आ गई ना सर जी। ओके सर, थैंक यू। तो वो तो इश्यू रहता है सर, बेटर हेजिंग ही कीजिए, नेगेटिव करेंगे तो सर इतना इशू आएगा सभी। ओके सर, ओके जी सर, थैंक यू। इनके भी क्वेश्चन होंगे हैंड रेज करेंगे सर, या फिर आप चैट में भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज? करेक्शन होगा सर टाइम वाइज, प्राइस अब ज्यादा नहीं भागेगा सर। अब देख रहे हैं कि अभी एसजेक निफ्टी दिखा रहा है 250 पॉइंट नीचे, तकरीबन 17,500 पे एसजेक खड़ा है, ऑलमोस्ट रेंज ही बनाएगा सर मोस्टली, ऊपर ऐसे ले जाएगा जैसे कोई छू ना पाए, नीचे से लगेगा जैसे कोई ले ना पाए, एक्सट्रीम्स इसको बोलते हैं, टू एक्सट्रीम्स। जब मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है सर तो एक्सट्रीम मूवमेंट आता है, ये उस तरह का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फोमो आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप में हम में किसी में नहीं है, वो है FIIs में। आपने देखा होगा पागलों की तरह बात करते हैं, आगे पागलों की तरह लेते जा रहे हैं, और अभी तक आप देखेंगे सर डेटा देखेंगे तो पिछले 1.5 साल में FIIs ने जितना भी सेल किया है उसका बस 10% बाय किया पिछले एक मंथ में, 10-12%। अब मान लीजिए जो सेल के तो सारा बाय कर लेंगे तो मार्केट कहाँ पहुंच जाएगी, वो इमेजिन कीजिए सर। और अभी तो चाइना में से फंड निकल रहा है बाहर, चाइना में से एग्जिट कर रहा है, रशिया में से एग्जिट कर रहा है, तो वो फंड भी इमर्जिंग मार्केट में आएगा, तब सोच लीजिए निफ्टी कहाँ जाएगा। मार्केट आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतरीन चीज है, अगर आप सही स्टॉक में आएंगे तो आपको मतलब मजे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया है कुछ सालों के लिए, बस आपको पेशेंस रखना है, लेके बैठ जाना है स्टॉक को, इंट्रा बाय सेल नहीं करना है, अच्छे स्टॉक पकड़िए और बैठ जाइए उसमें एज पर द अल्टीमेट, जिसके पास है अल्टीमेट को तो पता है कौन कौन से स्टॉक लेने हैं, मंथली चार्ट पकड़ लीजिए, वीकली चार्ट पकड़ लीजिए, जिसमें ब्रेकआउट आया है इस टाइम के हिसाब से बैठ जाइए, रॉकेट हो जाएंगे सभी के सभी जी सर। और किन्हीं के क्वेश्चन हो तो चैट में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, no restrictions on questions। और जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत सही रहेगा वो। व्हाट अबाउट रिलायंस कम्युनिकेशन RCOM, देख लेते हैं सर। आप क्यों नहीं रहा सर रिलायंस, अरे वाह दिखाई नहीं रहा, आरकॉम तो दिख ही नहीं रहा सर, टाटा पावर में से टाइम वाइज क्वेश्चन चल रहा है अभी ऑलमोस्ट, तो खत्म होने को है, थोड़ा शायद नीचे आ सकता है वो। देखेंगे अगर डेली चार्ट पे इसको, टाटा पावर सब 241 के ऊपर इसको बाय कीजिएगा, जिनके पास जिनको इच्छा है बाय करने की, और जिनके पास पड़ा हुआ है यहाँ कैसे लगा दीजिएगा 216 का, 216 के नीचे बंद करेगा तो फिर चांस है कि ये लो टूटेगा, फिर ये चार्ट खराब हो जाएगा, फिर ये चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में चला जाएगा डेली में से,
अभी डेली में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया टाइम का कलेक्शन हुआ है, वन ऑफ द परफेक्ट। सेम चार्ट अगर आप देखेंगे तो है अदानी पोर्ट का, बहुत बढ़िया चार्ट दोनों के, टाटा पावर अदानी पोर्ट दोनों फटने को तैयार है, लेकिन ऊपर की ओर ज्यादा उसके चांसेस है जिस तरह से चार्ट दिख रहा है, लेकिन लेवल कटने के बाद इसमें एंट्री बढ़िया रहेगी। अभी एंट्री करेंगे तो क्या पता शायद वीकली में चले जाए, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है ये आपको अच्छा रिटर्न ऊपर की ओर ही देंगे, तो लेकिन लेवल के बाद बाय कीजिएगा। अगर जिनके पास पड़ा हुआ है नो इश्यू, यहाँ पैसे लगा दीजिए 216 का, जिनको लेना है वो 240 के ऊपर ले सकते हैं। व्हाट अबाउट कोलगेट? कोलगेट कर लीजिए सर, बढ़िया है कोलगेट पाम ऑलिव, सच में आ गया ब्रेकआउट, देखिए सर प्रॉपर ब्रेकआउट है इसमें, तो इस पे पी भी मत कीजिएगा, सी में जाइएगा, सही है ये। और कहीं के क्वेश्चन है सर वो एड्रेस कर सकते हैं? जी सर। सर मुझे हेज के बारे में एक क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल सर पूछिए। सर आप मतलब जब हेज बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, अभी अब हेज बनाने का सही टाइम है, मतलब कैसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मुझे वो पूछना था। देखिए सर हेजिंग का सर कोई टाइमिंग नहीं होता परफेक्ट, बस एक चीज है मैं आपको स्ट्राइक प्राइस का रूल बता देता हूँ कि अगर आप 15 तारीख की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ का बनाइए, 15 तारीख से पहले सेम मंथ का बना सकते हैं। अभी कौन सा बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए मार्केट खड़ा है 17,500 या फिर आपका स्टॉक खड़ा है 100 रुपए पे, अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में यहाँ से 5% की मूव आ सकते हैं 10% की मूव आ सकते हैं, उस तरह का लंबा गैप बना सकते हैं। आपको दिखाता हूँ नॉर्मली ऑप्शन में जाके कि आप रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी अभी खड़ा है 17,700 और मेरा एंटिसिपेशन है कि निफ्टी यहाँ से इस मंथ में एटलीस्ट 18,500 के ऊपर जाएगी, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा 18,500 का पहले कॉल लूंगा, जिसके ऊपर जाने की मुझे संभावना है वहां मैं कॉल लूंगा और उसके ऊपर 200 पॉइंट का कॉल सेल करूंगा सिंपल, जिससे क्या होगा कि अगर मेरा एंटिसिपेशन सही रहा तो आप देखिए मुझे कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 1500 का रिस्क है सर और मुझे 8,500 आने को है, जहां पे आपको लगे कि यहां तक जा सकता है वही कॉल आपको लेना है और उसके ऊपर का कॉल आपको सेल करना है। टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता सर कि आप मॉर्निंग में आफ्टरनून में लीजिए या फिर सही लेके, आपको जब लगे कि यहाँ से स्टॉक अभी निकलने को या फिर मार्केट निकलने को, वेदर अपसाइड वेदर डाउनसाइड, तभी आप बना लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा रूल कि 15 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ का और 15 से पहले सेम मंथ का, वो रूल डिफाइन करके रखिएगा मंथली एक्सपायरी में। जी सर है हमेशा मंथली बनाइए, आपको मजा आएगा क्योंकि वीकली में आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, 3-4 दिन में सर कहाँ ले पाएंगे पूरा प्रीमियम, है ना। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर कैसे प्रॉपर डिफाइंड डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड करना चाहिए? सर इसके ऊपर मेरे प्रॉपर 2 वीडियोस हैं, मैं आपको अभी टेलीग्राम में भेज दूंगा सर, बहुत ही बढ़िया वीडियो, एक बार देख लीजिएगा 20 मिनट में आपको सब आ जाएगा कि प्रॉपर कैसा होता है। ब्रेकआउट का भी है कि RSI को लेकर आप ब्रेकआउट कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। यूट्यूब में एक बार सर चेक कीजिए स्टडी मटेरियल में, आपको बहुत मजा आएगा। और ऐप में मैंने डाउनलोड सर रखे रखा है फ्री स्टडी मटेरियल, ऐप पे जिनके पास नहीं हो कर लीजिएगा, उनके अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ऑप्शंस को लेके भी हेजिंग को लेके भी फ्री वीडियो बहुत सारे हैं। जी कुणाल जी पूछिए सर। सर एक चीज और, जैसे अभी आपने बताया हेजिंग का, जी सर उसमें जैसे कि आपने लॉस का बताया, तो जब लॉस होने लगेगा हमको तो हमको पूरा लॉस लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपन लॉस से पहले निकलने का कुछ इंडिकेशन मिलेगा? एक चीज समझिए सर, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टाटा पावर में हेज लिया है, राइट, आपको दिखाता हूँ चार्ट में आपको क्लियर आ जाएगा, ये टाटा पावर का चार्ट है सर। हाँ जी, मान लीजिए ये 240 के ऊपर निकल गया, अभी मेरा व्यू क्या बनता है सर कि ये एटलीस्ट इसी मंथ में 300 के पास जाएगा, तो मैं 300 वाला हेज ले लूंगा सर। लेकिन मेरा एक ये चीज भी है कि अगर 215 के नीचे गया तो मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर तो मुझे उस हेज में रहने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ जो मैंने लिया था अगर ये इसके नीचे मेरे स्टॉप लॉस के नीचे चला गया तो वो हेज से निकल जाएंगे और आपको पूरा लॉस कभी नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन मंथ एंड में, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एज वैसे निकल जाइए सर, है ना, फिर पूरा मंथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मंथ कब रखे कि स्टॉक वहां पे वहां खड़ा हो गया तो फिर रख सकते हैं कि कभी ना कभी तो अच्छे दो कैंडल बना के ऊपर निकल जाएगा, तो आप होप रख सकते हैं।
अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं है सर, फिर मनी उसमें से निकालिए और किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए। ठीक बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। और किन्हीं एक क्वेश्चन तो मैं एंड्रेस कर सकते हैं या फिर चैट पर लिख के बता सकते हैं। और हेजिंग के लिए प्रॉपर मैं सीरीज भी लाने वाला हूँ जो मैंने खुद के हैज बनाए हुए हैं, जो ट्रेडिशनल हैज आप देखते हैं आयरन कॉन्डर आयरन फ्लाई वैसा नहीं, प्रॉपर सिस्टमेटिक हैज मैंने जो डिजाइन किया है उसकी सीरीज भी आने वाली है शॉर्टली। 2D हैज ले लीजिए, AG हैज ले लीजिए, फ्यूचर फ्यूचर हैज ले लीजिए, बहुत बढ़िया मतलब सारे आने वाले हैं शॉर्ट टाइम में ही। GNN ल्यूमैक्स टेक हेलो जी सर, वेट अ मिनट देखिए। एक चीज पूछनी थी मेरे को कि तो मिनिमम जी जी कैपिटल कितनी कितनी रखनी चाहिए, मतलब हेजिंग के पर्पस से कितना थर्टी शुरुआत टू करनी फोर्टी चाहिए। थाउजेंड अच्छा रखिए सर, 30 to 40 thousand। लेकिन सर मैं बहुत केस में देखा है मैंने कि जैसे फायर्स में देखा है मैंने कि वो 49 बहुत मैं लंबा जब लेता हूँ मंथली एक्सपायरी लेता हूँ तो 49,000 48,000 दिखाता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट दिखाता है हेजिंग में। वो क्या उतना मतलब उतना तो रखना ही पड़ेगा ना फिर उसमें 60,000 दिखा के रहा था आसपास। सीधा में देखेंगे तो आपको 30 में हो जाएगा, अपस्टॉक में 30 में हो जाएगा, अपस्टॉक में दीवन मैंने कल ही मैंने लिया था परसों क्लाइंट की, उसमें तो अच्छा मैं 25 में हो गया था सर, ओनली 25 पूरा हैज बन गया था सर, कुछ मैंने सत्रह ये हजार सब नौ में सौ है कमाए सब करके में। 18,300 का मैंने सेल किया था। हाँ 25 में बन गया था ओके ओके तो सर बेस्ट हेजिंग के लिए कौन सा यूज करें हम। हेजिंग। देखिए सर अगर आपको फार ऑप्शन में जाना है तो मैं प्रेफर करूंगा सर अपस्टॉक्स, क्योंकि चीज उसका आपको रीजन समझाता हूँ मैं सर, कि जीरोधा में क्या होता है कि आप एक ऑप्शन की लिमिट से ऊपर के ऑप्शन बाय नहीं कर पाएंगे, फार ऑप्शन वो बाय नहीं करने देगा, रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो आपको अगर लंबे हेज बनाना है जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव मिले तो आप बना नहीं पाएंगे, ऑप्शन बाय करने नहीं देगा, बाय नहीं करेंगे तो आप सेल क्यों कर पाएंगे। उसमें क्या करना पड़ता है, पहले सेल करना पड़ता है जीरोधा में। अगर आप कोई भी ऑप्शन सेल करके रखे हैं फिर आप कोई भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं, फिर उसमें फार वाला वो रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, लेकिन पहले सेल करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए 70-80 thousand rupees, तो फिर वहां पे बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो फायर्स का मुझे पता है, लेकिन अपस्टॉक्स का जो है और एक SMC करके भी है उसका सेम रूल है, कुछ भी बाय कीजिए कुछ भी सेल कीजिए नो इश्यू, तो आप उसे सीधा बाय करके सीधा सेल कर सकते हो, 30,000 बन जाएगा आपका आराम से। फायर्स नहीं तो ये फायर्स में ये फैसिलिटी है क्या सर, फायर्स में मुझे बाय इतना करके। पता नहीं है सर, फायर में सिर्फ यूज करता हूँ सर चार्ट के लिए, उसका मुझे चार्ट बहुत पसंद हाँ सर है, चार्ट अदर मेरा अच्छा है फायर सर। कोई यूज नहीं है, जीरो यूज चार्ट के अलावा। और सर जीरोधा में अगर अपने को हेजिंग करनी है तो पहले सेल करना पड़ता है फिर हाँ उसके बाद पहले बाय सेल होता करना है। अच्छा पड़ेगा, हाँ उसमें वो होगा सर, उसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि सेल करने के लिए पहले मार्जिन मांगेंगे तकरीबन 1 लाख रुपए, 70 to 1 लाख रुपीज, फिर आप जब बाय कर लेंगे दूसरा ऑप्शन फिर आपका टोटल जो है वो हो जाएगा 30 to 35 thousand में, लेकिन इनिशियली आपको 1 लाख चाहिएगा फिर वो एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि अच्छा पहले सेल वाला डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल सर है तो फायर्स उसमें में कर भी सर सकते वही हैं। चीज जी है, फायर्स में भी वही जी चीज है, फायर्स में भी क्या है लेने नहीं देता वो वही 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 काम वो भी करता है। अपस्टॉक वही रहेगा सर। सर अब अपस्टॉक में ये अपस्टॉक अपना वो तो फैसिलिटी नहीं है ना, जैसे हम इसमें वो बना लेते हैं बास्केट बास्केट बना ऑर्डर लेते हैं। नहीं, उसमें शायद नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ती ना सर, फास्ट हम कर लेंगे एग्जीक्यूट, क्योंकि हमको तो मार्केट ऑर्डर में ही लगाना है सर, हम अच्छा लिमिट ऑर्डर अच्छा तो लगाएंगे नहीं, मार्केट में लगेंगे फटाफट से कर लेंगे सर। ठीक मैं तो सर जीरोधा में भी बाकी यूज नहीं करता, पहले करता था जब मेरे डिफरेंट डिफरेंट हेजेस में यूज करता तब करता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल है जो उसमें नहीं करता सर, सीधा उसमें मार्केट ऑर्डर लगाना सर, सीधा बाय सीधा एग्जीक्यूट हुआ सीधा सेल दूसरा, उसमें इतना आपको स्लिपेज देखने को नहीं मिलेगा। लुमेक का 200 पूछ रहे थे, स्टॉक बढ़िया है सर, क्या मतलब शायद ये ये 223 के पास आ सकता है, तो आपका स्टॉप लगाना 225 क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए अब जिनके क्वेश्चन कौन था वो सर कंटिन्यू सर, जी कुणाल जी आप कुछ सर पूछ एक रहे चीज, थे। जी हाँ सर सर मैं पूछ रहा था कि मतलब हम जैसे जिनके पास कैपिटल कम रहती है उनके लिए अपस्टॉक्स अच्छा रहेगा मतलब फिर बिल्कुल अपस्टॉक्स। बिल्कुल सर बिल्कुल, उनके लिए वही बढ़िया रहेगा सर। जी ओके ओके ठीक है सर ये पूछना था। सर सर ऑप्शंस के लिए फिबोनाची कैसे वर्क होता है, मतलब ऑप्शन के अच्छा लिए रिजल्ट देता है फिबोनाची, फिबोनाची, जी सर फिबोनाची यूज किया तो रिजल्ट अच्छे आते हैं क्या ऑप्शंस करने के लिए।
ऑप्शन के लिए आप यूज मत कीजिए सर, इसमें आपको स्टॉक में पता चलेगा राइट सर, आपको ऑप्शन का चार्ट देखता है नहीं, मतलब देखना ही नहीं है आपको, आपको सिंपल क्या है ट्रैक करना है स्टॉक का चार्ट। अगर स्टॉक में आपको दिख रहा है मोस्टली जो मैं यूज करता हूँ फिबोनाची, जिसके लिए मैं देखता हूँ रिट्रेसमेंट 61 पे आया है या नहीं, 62 वाला, 61.8 वाला, वहां तक रिट्रेसमेंट आ जाता है और वहां से स्टॉक हैमर बनाता है या फिर कोई भी ऐसी कैंडल बनाता है जो बुलिश कैंडल है, एंगल्फिंग बनाता है, तो वहां पे मुझे एक चीज पता चलती है कि वो हो गया है बुलिश, फिर उसको देख के सर मैं ऑप्शन ले सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन का चार्ट देखिए फिर और किसी तरीके से सर फिबोनाची का उपयोग करना आपके लिए थोड़ा हानिकारक रहेगा, बेहतर इस तरह से कीजिए, है ना सर? ओके नहीं नहीं ऑप्शंस में नहीं, मतलब लाइक ऑप्शन ट्रेड लेने के लिए मैं अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट फिबोनाची में चेक करूं तो चलेगा, चलेगा, नो इशू सर, नो इशू, चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा सर, जी सर। और एक चीज, अभी ऑप्शन हम जब ट्रेड करते हैं तब सबसे कम ब्रोकरेज लेने वाली फर्म कौन सी है, मतलब सबसे कम ब्रोकर कौन सा? सबसे कम में तो सर मैंने जो देखा है एक तो पेटीएम वाला है, लेकिन पेटीएम में मुझे मजा नहीं आया था, मैंने ओपन किया था एसएमसी करके, एसएमसी ग्लोबल अकाउंट अभी ओपन कर रहा है रिसेंटली, लेकिन उसका किस तरह से मतलब ट्रेडिंग होता है वो तो मैं शायद कल से स्टार्ट करूंगा, तो वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो कम वाला अभी तक मैंने देखा वो शायद एसएमसी वाला ही है, तो तकरीबन 10 रुपये शायद देता है, 10-12 रुपये में बायथोजी में जहाँ तक उसके ब्रोकर से। लेकिन सर उसके ऊपर मत जाइए आप, जैसे इंटरफेस के ऊपर आपको किसमें ज्यादा मजा आता है मैं आपको सही बोलूंगा सर, क्योंकि मान लीजिए उसके ऊपर गए आपको इंटरफेस में मजा नहीं आया और सही पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 1-2 पड़े अगर निफ्टी के चले गए सर तो 100 रुपये वही हो जाएंगे, है ना सर, तब 20 रुपये ब्रोकरेज बजाने के लिए 100 रुपये वहां गवा दोगे। ओके ओके अंडरस्टूड। और एक कंपनी, अभी सपोज मैंने एक लॉट लिया है, ठीक है, एक लॉट लेके मैंने हेज कर दिया, एक लॉट बाय भी कर लिया सेल भी कर दिया, अगेन मैं उसमें एक लॉट ऐड करता हूँ, अगेन ऐड करता हूँ, ऐसे 2-3 बार किया तो मुझे हर एक टाइम अलग अलग ब्रोकरेज देना पड़ता है, ब्रोकरेज कैसा होता है, क्वांटिटी पे होता है? नहीं, हर एक टाइम देना पड़ेगा, ब्रोकरेज होता है पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, अब जितना ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना होगा सर। अगर मान लीजिए कि मैं करता हूँ 5 लॉट एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, 5 लॉट साथ में किया, 5 बाय 5 सेल, तो मेरे ऑर्डर कितने हुए सर? 2 हुए, तो मुझे 2 ऑर्डर का लगेगा। अभी मैं पांचों लॉट सिंगल करता हूँ तो 5 बाय 5 सेल, 10 ऑर्डर हुए सर, तो मुझे 10 का लगेगा। ओके ओके, तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज जाएगा अगर मैं ज्यादा, अगर आपको सेम स्ट्राइक प्राइस का मल्टीपल करना है तो एक साथ कर दीजिए, या फिर डिफरेंट करना था तो फिर डिफरेंट कर सकते हैं कि पहले एक मैंने जैसे बनाया था पिछली परसों ही बनाया था, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सीक्वेंस से बनाया था 17-200 से लेकर 18-300 का सीक्वेंस बनाया था, तो उस तरह से करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। अगर आपका मात्र सिंगल लगाना है कि 17-500 बाय 18,000 सेल हर बार यही करना है तो 5 वो एक साथ ही कर दीजिए, है ना सर? ओके जी अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। और जिनको ऑप्शन में सर अकाउंट खोलना है उनको लिए मैंने लिंक भेज दिया था टेलीग्राम में, खोल दिया था उसमें से, जिनको हेजिंग करना है उनके लिए बढ़िया रहेगा लो कैपिटल में, आप तकरीबन 1,00,000 रुपए में 3 से 4 लॉट बना पाएंगे, आपके लिए सही रहेगा, आपको आरओआई अच्छा मिलेगा एटलीस्ट, क्योंकि जीरोधा में क्या होगा सर आपको 1 लाख चाहिए रहेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस साथ 1 लॉट कर पाएंगे यानी कि 1 हेज बना पाएंगे, उसमें से मान लिया आपको 2,000 रुपये मिले, आपका आरओआई एटलीस्ट हो गया 2%, क्योंकि आपको 30,000 में से नहीं गिनेंगे आप गिनेंगे 1 लाख में से, क्योंकि एग्जीक्यूट के टाइम बहुत आपको चाहिए रहेगा। लेकिन जैसे आप अक्सर देख लीजिए उसमें क्या होगा सर कि 25 में आपका हो जाता है, तो मान लीजिए मैं 3 लॉट बनाए हैं 1,00,000 रुपये में, 25,000 रुपये में साइड में रखे हैं, 3 लॉट बनाए और आपको तीनों में से 2,000 रुपये मिले 6,000 हो गए, तो आपका आरओआई सेम टाइम पे 6% हो गया, 6,000 रुपये पर 1 लाख, इस तरह से सर गिनते हैं, तो जिनको करना हो कर सकते हैं, नो इशू। ओके सर, जिनके और किसी का क्वेश्चन है सर तो पूछ सकते हैं सर। ये एक चीज जैसे कि अनलिमिटेड लॉस बताता है जब भी हम कोई, मैंने अगर 25,000 का अगर कोई ट्रेड ले लिया तो उसमें अनलिमिटेड लॉस, ठीक है, तो अनलिमिटेड लॉस मतलब मेरे 25,000 तक ही लॉस करेगा या और नहीं, अनलिमिटेड का मतलब आपको खाली कर देगा पूरा, वो आपका अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। ओ इसी को तो सर बोलते हैं अनलिमिटेड लॉस, पर अगर आप कभी भी अनलिमिटेड लॉस की पॉलिसी हर बार लेके जाते तो कभी ना कभी वो सर आपको नंगा कर देगा, ये बात पक्की है, कि मार्केट कोई नहीं जानता क्या होगा सर, अगले मॉर्निंग कैसे ओपनिंग होगा, रात को क्या न्यूज आ जाएगा, रात को पता चला किसी ने सर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया, मार्केट 10% गैप डाउन खुलेगा सर, आप कैसे संभाल पाएंगे?
और आपको अच्छा न्यूज आ गया तो 10% अप ओपन हो जाएगा, आप सेलिंग की तरफ है तो कैसे संभाल पाएंगे? इसलिए सर एक बात है कि ना ही सेलर बचेगा सर, ना ही बायर बचेगा, सिर्फ हेजर बचेगा मार्केट में। और सर उसका मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट पता होता है सर, तो सर इमोशन दूर रहता है उससे। जी जी, तो मैक्स लॉस तो उससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसमें अभी मैंने दिखाया था बना के सर, तो उसमें था 8500 का मैक्स प्रॉफिट, 1500 का मैक्स लॉस, मार्केट 15% नीचे खुले, 15% ऊपर खुले, उससे ज्यादा ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस मुझको होगा। ये तो मेरा प्री कन्फर्म हो गया, और वो भी कब? आखिरी दिन तक। कि मान लीजिए कल के कल अगर मार्केट डाउन खुलती है और मुझे 1500 का लॉस कल के कल नहीं दिखेगा सर, वो मुझे दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन, 29 सितंबर के दिन। यही तो उसकी सर खासियत है कि आपको मैक्स लॉस भी सेम डे नहीं मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा एक्सपायरी के दिन। इसीलिए सर बात है कि आप एक्सपायरी के दिन तक उसको होल्ड कर पाएंगे, कि मान लीजिए बीच में कोई चमत्कार हो गया तो आपका लॉस सारा रिकवर होकर प्रॉफिट आ जाएगा, वो आप ऑप्शन बाइंग में नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको इमोशन आएगा, ये वो निकल जाते हैं और निकल जाएगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा प्रीमियम बचा है सेल कर दूंगा, निकल जाएंगे हम, इतना तो बचेगा। और वापस मान लीजिए वो ट्रैक पे आ गया कि मान लीजिए आपने कोई सेल किया हुआ है निफ्टी, और निफ्टी कल के दिन 5% ऊपर खुला था, आप 10 में निकल जाएंगे, लेकिन सेकंड डे वही 10% नीचे गिर जाएगा तो आपको दुख होगा, अगर नहीं निकला होता तो प्रॉफिट में होता, इतना बड़ा लॉस ना लेना पड़ता। वहां पे एक हेजर सर सेल नहीं करता जल्दी, उनको पता है 1500 ज्यादा लॉस होने वाला है नहीं, क्यों निकलना, पूरा महीना पड़ा है, क्या पता क्या चमत्कार हो जाए, एक होप रहती है सर आखिरी दिन तक। सर उसमें हेजिंग में टाइम डिके कैसे वर्क होता है, टाइम डिके का कुछ फर्क होता है? आएगा ही नहीं आपको, इश्यू ही नहीं आएगा वो, क्योंकि जितना मान लीजिए जितना टाइम डिके आपको बाइंग वाला देगा, आपका खींचेगा, उतना सेलिंग वाला आपको दे देगा, क्योंकि टाइम डिके तो दोनों में होना है, वही तो बात है सर। दैट्स ग्रेट, ओके थैंक यू सर। अजय पटेल जी, जी सर, अजय पटेल जी, जी सर आपका क्वेश्चन है सर, कुणाल जी आपका हैंड रेज है सर, क्वेश्चन है आपका सर। जी सर, हाँ सर, एक चीज पूछ, जैसे कि 5% अप या डाउन होता है तो सर्किट लग जाता है शेयर में, शेयर्स में, तो निफ्टी में भी लगता है क्या? लगता है सर, 5% में लगता है, 10% में लगता है, 20% में लगता है सर, 20% हुआ तो उस दिन ट्रेडिंग बंद निफ्टी में। अच्छा अच्छा, फिर नहीं पता, लेकिन स्टॉक में सर, स्टॉक में खुल जाता है, स्टॉक में जो स्टॉक FNO का है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, उस स्टॉक में वो एक स्टॉक 100% भी ऊपर जा सकता है, उसकी लिमिट नहीं है सर कोई। हाँ, सर्किट के बाद आधा घंटा एक घंटा ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन बंद नहीं रहेगा सर। आपको पता होता सर, कोविड के टाइम पे न्यूज आई थी कि ग्लेनमार्क वालों ने टेबलेट निकाल दी है सर कोविड की, तो सेम डे पे सर ग्लेनमार्क 34% बढ़ा था सर। फ्यूचर ऑप्शन का स्टॉक है सर वो, FNO का, ओपनिंग हुई थी 10% पे, फिर सर्किट लगी, फिर हॉल्ट हुआ, फिर 34% अप टू गया था सर वो, फिर वो उसका हाई लगा, वो लगा, फिर कभी ऊपर गया ही नहीं, वहां पे उसका टॉप लग गया। ओके जी सर, हेलो सर, जी सर, हाँ सर, हेलो, जी सर सुन सकता हूँ आपको, कहिए सर। हाँ, मार्केट में 80% सेलर रहते हैं, तो जब वो अपना वीकली एक्सपायरी को अपना जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते, तो मार्केट क्यों एक वन साइड रैली नहीं करती हर बार? ऐसा कौन बोला सर 80% सेलर रहते हैं? गलत बात है सर, सर एक चीज समझे सर, नहीं 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 वो बहुत गलत एंटिसिपेशन है, बहुत ही गलत। एक चीज समझे सर, कि मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 80% सेलर है सर, मतलब एवरी 100 में 80 लोगों ने सेल किया, 20 लोगों ने बाय किया है सर। तब एक चीज समझिए, बाइंग एंड सेलिंग से ही एक चीज बनती है, एक वो बनता है ट्रेड, एग्जीक्यूट कैसे होगा सर? कोई सेलर सेल कैसे करेगा बिना बायर के? ओके, हमेशा सर 50% रहना ही पड़ता है। अगर मैं बोलता हूँ कि निफ्टी के 5 लॉट किसी ने सेल किए, तो सामने किसी ने 5 बाय भी किए होंगे सर, बिना बाय हुए सेल हो ही नहीं सकता सर। लेकिन जब कोई बायर नहीं बचता, जब कोई बायर नहीं बचता तभी सर्किट लगती है नीचे की, जब कोई सेलर नहीं बचता सर्किट लगता है ऊपर की, है ना सर? विनर की बात है कि 80% सेलर विन करते हैं, 20% बायर विन करते हैं, उसका तो मैंने पिछली जो हमारा सेशन था उसमें बता दिया था क्यों ऐसा होता है सर।
थियोरेटिकल बता दिया था। हाँ जी सर, ऐसा कभी नहीं होता सर, क्योंकि सेलर मोस्टली सर क्या वो क्यों दिखाता है परसेंटेज ऑफ बायर सर, वो आपको ऑर्डर कौन सा दिखाते हैं बताया सर, आज के बिड में जो ऑर्डर लिमिट ऑर्डर होता है सर, लिमिट ऑर्डर ही वहां पे दिखता है, जो मार्केट में प्लेस करके चले जाएंगे वो तो कहाँ दिखेगा सर, वो दिखा देखे इतना एग्जीक्यूट होने बाकी है। ओके वही तो है सर कि ये एक पर्सन खड़ा है 1300 पे, एक पर्सन खड़ा 1305 पे, कि उनके एग्जीक्यूट होने बाकी है, लेकिन मेरा जैसा कोई आएगा वो क्यों लिमिट ऑर्डर रखेगा, मुझे पता है जाएगा ऊपर तो सीधा मार्केट ऑर्डर बाय कर लेंगे, एक रुपया ज्यादा देंगे क्या होगा, पता है आमने को 100 रुपए है ना सर। ओके तो इसको भी क्लोज करते हैं, आई होप आप सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जिनके नहीं हुए हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7041009937 पे, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में आज के दिन मिल जाएगा, और हमारी गणेश चतुर्थी की ऑफर भी चल रही है, तो जिनको अगर इंटरेस्ट है 20% ऑफ चल रहा है उसमें, तो वो ऐप में जाके वो कर सकते हैं। थैंक यू सर।